आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने डुप्लीकेट शेयर से रिलेटेड कई वीडियोस बनाई हैं, पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में जिसके लिए मेरे पास कमेंट आया था, और वो शेयर्स है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। अगर आपके शेयर्स टाटा स्टील के हैं या फिर इसी प्रकार के किसी और कंपनी के हैं तो आप किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं अगर वो खो गए हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जो आपके पास होनी चाहिए। पहला, उस शेयर से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज जैसे डिविडेंड वारंट हो या अलॉटमेंट लेटर हो या फिर फोलियो नंबर हो, कुछ भी आपके पास उससे रिलेटेड होना चाहिए। यदि नहीं है तो फर्स्ट पहले आप कस्टमर केयर में बात करके उसके रजिस्ट्रार में वहाँ से आप वो नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप जब आपको फोलियो नंबर मिल जाएगा तब आपको ईमेल करना है उस रजिस्ट्रार को अपने जो भी आपके पास दस्तावेज हैं उनके साथ स्कैन करके कि मेरे पास ये प्रूफ है और मुझे जो है इसका डुप्लीकेट शेयर्स निकलवाने हैं, ये किसी कारण में लॉस्ट हो गए इन ट्रांजैक्शन या क्या है वो आपको बताना है। और उसके लिए वो कुछ आपको फॉर्मेट्स देंगे, वो फॉर्मेट्स आपको फिल करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजने हैं। तो कौन इसके रजिस्ट्रार हैं मैं वो आपको बता देता हूँ और उनकी ईमेल आईडी बता देता हूँ। इनके रजिस्ट्रार हैं TSR Consultants Private Limited। इनका ये ईमेल आईडी है, आप इस ईमेल आईडी पर इनको मेल डाल सकते हैं। ये है ईमेल आईडी। ये जो एड्रेस है मैं मुंबई का बता रहा हूँ, इसके अलावा दिल्ली या किसी भी स्टेट का है तो उनका सबका अलग अलग है। आप बस गूगल पे किस प्रकार से शेयर के लिए रजिस्ट्रार के लिए सर्च करते हैं मैं ये बता देता हूँ। आप उस तरीके से सर्च करके देखिएगा, उसमें सारी लिस्ट आ जाएगी। आप जहाँ से भी जिस भी रजिस्ट्रार को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उनके नंबर भी दिए होते हैं, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी भी होती है, आप ईमेल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है। इसके लिए आपको जाना है गूगल पर, आपको लिखना है टाटा स्टील शेयर RTA लिखिए या रजिस्ट्रार लिखिए, जो भी लिखेंगे आपके सामने जो पहला ये लिंक होगा ऑफिशियल वाला, आप इस पर क्लिक कीजिएगा जो ऑफिशियल है क्योंकि हमेशा सही रहता है टाटा स्टील। यहाँ पे आपको देखिए सारा ब्यौरा भी मिल जाएगा, टाटा स्टील रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट इन्वेस्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मुंबई में क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या वहाँ का एड्रेस है जहाँ आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, ऐसे बेंगलोर का है, बेंगलोर में कहाँ का एड्रेस है, क्या कस्टमर केयर नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, वो सब आपको मिल जाएगा। ऐसे कोलकाता का है, न्यू दिल्ली का है जनकपुरी में है ये, और जमशेदपुर का है, इस तरीके से ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी जिस भी स्टेट से उस स्टेट से आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है आपका स्टेट कि आप किस स्टेट से हैं और कहाँ का है तो आपने मुंबई वाले पे कॉल करके या किसी पे भी कॉल करके वहाँ से जानकारी ले लेनी है कि मैं इस स्टेट से हूँ और मेरा ये फोलियो नंबर है या ये मेरा पैन नंबर है, इसके अकॉर्डिंग मुझे जानकारी दी जाए कि मेरे शेयर्स खो गए हैं और मैं कैसे इन्हें रिकवर कर सकता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास टाटा स्टील के शेयर हैं तो आप किस प्रकार से उन्हें रिकवर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।